मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पार्टी ने कर्ज माफी को ही मुद्दा बनाकर 2018 में हुआ विधानसभा चुनाव लड़ा था और राज्य में सरकार बनाई थी। 5 बार सांसद और 2 बार एमएलए रहे लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि कर्ज माफी किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष किसानों की कर्ज माफी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार इसका आंकलन करने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सरकार गठन के 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी करने का सगुफा छोड़ा था और अब लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को 10 दिनों के भीतर कर्ज माफी का वादा नहीं करना चाहिए था। आंकड़े गिनाते हुए कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि 45,000 करोड़ की कर्ज माफी करना आसान काम नहीं है। लक्ष्मण सिंह के अनुसार इस वर्ष किसानों की कर्ज माफी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। लक्ष्मण सिंह का यह बयान अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने ही उनके भाई दिग्विजय पर पर्दे के पीछे से सरकार में दखल देने का आरोप लगाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कमलनाथ मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों के मुखिया बने हुए हैं। दिग्विजय सिंधिया और कमलनाथ के त्रिकोण में उलझी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सियासत में लक्ष्मण सिंह का बयान अभी मायने रखता है। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने संगठन को लेकर भी बात की। बता दें कि लक्ष्मण 1990 में ही पहली बार विधायक बने थे और लगातार सक्रिय रहने के बावजूद उन्हें कमलनाथ मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जब मीडिया ने उनसे इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वे पार्टी से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि उनका कहीं भी उपयोग किया जाना चाहिए। अपनी पीठ थपथपाते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उन पर न तो भ्रष्टाचार के आरोप है और न ही उनके पास अनुभव की कोई कमी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गुटबाजी चरम पर है और इस संबंध में कई नेता अपनी पसंद नापसंद जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमर सिंघार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं और यह बात कार्यकर्ताओं से लेकर सभी नेताओं को पता है। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंत्रियों को दिग्विजय के पत्र आते हैं। लक्ष्मण सिंह ने उनके इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके बड़े भाई दिग्विजय और मंत्री उमर सिंघार को आपस में मिल बैठकर बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है कर्ज माफी पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।